नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस बाथरूम में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक गीजर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब चलिए मैं आपको इस बाथरूम में इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, नीचे यहाँ पे ये क्रॉम्पटन का इलेक्ट्रिक गीजर दिखाई दे रहा है, 15 लीटर का गीजर है, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये बाथरूम है। गीजर का पॉइंट देखिए यहाँ पे बना हुआ है, राइट साइड में यहाँ पे कोल्ड वाटर है ये देखिए, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हॉट वाटर है, और यहाँ पे देखिए ये वाल मिक्सर लगा हुआ है। तो अभी जो गीजर है दोस्तों, देखिए मेरा यहाँ पे है, क्रॉम्पटन का है, खोल के दिखाता हूँ मैं इसको। ये देखिए ये गीजर हो गया, और इसके साथ में ये देखिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे NRB वाल और ये फास्टनर दिया है, इसके सहारे इसको हैंगिंग करेंगे। इसका जो वारंटी कार्ड है पहले ही फिलअप हो गया, निकाल लिया हूँ मैं। और ये देखिए ये इसका पीछे वाला व्यू है, यहाँ पे गीजर हैंगिंग होगा, और इधर हॉट वाटर है, इधर कोल्ड वाटर है। जहाँ पे ये रेड कलर से मार्किंग किया गया है तो ये हॉट वाटर होता है, ब्लू कलर से जो मार्किंग है ये इनलेट है, कोल्ड वाटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो इंडिकेटर है, एक मेन सप्लाई वाला है और एक है दोस्तों हीटिंग के लिए, जब हीट होगा तो जलेगा, हीट होने के बाद बंद हो जाएगा, और एक मेन वाला जलता रहेगा। अब देखिए ये क्रॉम्पटन का 15 लीटर का गीजर है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मार्किंग करना होगा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगा, इसलिए इसको हटा के यहाँ पे इस दीवार पे करूँगा, यहाँ पे राइट हैंड, अब यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्किंग में कर लिया गीजर को हैंगिंग करने के लिए, उसके बाद हैंगिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे दो फास्टनर दिया है और साथ में NRB वाल्व है। अभी मैं बताऊंगा इसको कहाँ पे लगाया जाता है, बेनिफिट क्या है इसका, इसको लगाने से अगर नहीं होगा NRB तो फिर क्या दिक्कत होगा। तो देखिए ये NRB है, नॉन रिटर्न वाल्व है, इसमें एक तरफ से पानी जाएगा वापस नहीं आएगा। और देखिए ये दो फास्टनर है, फास्टनर जो है दोस्तों 10 mm का है, तो इसको फिक्स करने के लिए 14 mm का ड्रिल बिट होना चाहिए। तो अभी चलिए यहाँ पे होल करता हूँ अब मैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये 14 mm का ड्रिल बिट है, इससे होल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों होल में कर लिया, उसके बाद ये देखिए ये फास्टनर है, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ध्यान रहे होल जो है ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ये देखिए अभी यहाँ तक ये जा रहा है, और ये देखिए इसको इस तरह से लगाया, हथौड़े से अंदर करेंगे इसको। अब देखिए सबसे पहले इसको ना ये टाइट करेंगे, उसके बाद फिर इसको खोलेंगे। अब देखिए थोड़ा सा टाइट करने के बाद इसको लूज कर लेना है, उसके बाद इस पे गीजर को रख के उसके बाद फिर दोबारा ये टाइट होगा। टाइट में पहले इसलिए किया हूँ क्योंकि अंदर जो बोल्ट गया हुआ है, ताकि जो है वो फैलता जब है ना तो ये अंदर आता है जब टाइट करते हैं तब, इसलिए इसको मैं टाइट किया हूँ। तो अभी ये फास्टनर पूरी तरह से फिक्स हो गया है, अब इसके ऊपर गीजर को हैंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों गीजर को मैं यहाँ पर इस तरह से हैंग कर दिया, इधर वाला जो फास्टनर दिख रहा है ये भी टाइट है, उसके बाद इधर भी फास्टनर है, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी टाइट हो गया है प्रॉपर। उसके बाद अब यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन पाइप्स यहाँ पे कनेक्शन देंगे। अब देखिए ये वाला जो है ये कोल्ड वाटर है, सबसे पहले चेक करना है आपको, ये देखिए ऑन किया, यहाँ पे पानी फेंक रहा है, तो ये कोल्ड वाला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो है ये हॉट वाटर है, यहाँ से गर्म पानी निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो कोल्ड वाटर वाला पाइप है ना, ये यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है, डायरेक्ट लगाएंगे तो देखिए हॉट और कोल्ड दोनों मिक्स हो जाएगा, पानी ठंडा नहीं होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले NRB देंगे, देखिए ये NRB है, इसमें सिर्फ इधर से पानी जाएगा, वापस रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी पानी जब यहाँ पर जाएगा, गीजर का टैंक फुल हो जाएगा, तो ये पानी यहीं पर रुक जाएगा, जब कोई टैप को खोलेगा गर्म पानी खाली होगा तो फिर वापस ये जाता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाशर दिया रहता है, पैकिंग किया हुआ कवर है, ताकि जो है इसके अंदर कचरा ना जाए, दोनों में है, देखिए इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे टेपलॉन लगाएंगे थोड़ा सा,
अब देखिए यहाँ पे दोनों में टेप्लॉन को लगाया मैं। अब एनआरबी वाल्व यहाँ पे इस तरह से लगेगा। एनआरबी वाल्व इंस्टॉलेशन का देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी लिखा है, पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसका लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों इस गीजर के बारे में बताया गया है। इक्विपमेंट यहाँ पे देखिए लिखा है स्टोरेज इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, ब्रांड जो है यहाँ पे क्रॉम्पटन है, मॉडल ये रहे दोस्तों ये 2021 का। उसके बाद देखिए रेटेड कैपेसिटी है 15 लीटर का गीजर है ये, और रेटेड पावर जो है दोस्तों यानी कि पावर कंजप्शन इसका 2000 वाट है। और यहाँ पे एनआरबी इंस्टॉलेशन के लिए देखिए यहाँ पे सिंबल दिया गया है। तो अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे यहाँ पे एनआरबी लगाएंगे। अब देखिए ये एनआरबी है, इसको पहले बाहर ही चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कम प्रेशर होगा तो ये इसको प्रेस नहीं कर पाएगा और पानी ऊपर जाएगा नहीं या फिर स्लो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा लिया मैं, ऐसे ही पहले चेक करेंगे। ये देखिए तो प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए एनआरबी वाल्व ओपन हो गया, इस तरह से ऊपर रहेगा ये, देखिए काम कर रहा है ये। तो इस तरह से सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। अब इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एनआरबी लग गया है। उसके बाद ये कनेक्शन पाइप यहाँ पे देंगे, और कभी पानी दोस्तों इस टैंक का ड्रेन करना है अगर आपको, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से उठाएंगे तो पानी ड्रेन होगा। यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, खोलेंगे ये उठाएंगे और यहाँ से पानी निकलेगा। अब देखिए ये कोल्ड वाटर है, ये यहाँ पे लगेगा। कोल्ड वाटर कनेक्ट हो गया, ये हॉट वाटर है ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों कनेक्ट हो गया है। यहाँ से इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ध्यान रहे इसको ऐसे नहीं लगाना है जब तक इसमें दोस्तों अभी 15 लीटर का गीजर है, जब यहाँ पे 5-6 लीटर पानी यहाँ पे आ जाएगा तब ये प्लग को लगाएंगे बिजली वाले बोर्ड में, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट लगाएंगे और यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है दोस्तों वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अभी दोस्तों एंगल कॉक को मैं ऑन कर दिया, यहाँ पे कोल्ड वाटर जा रहा है, टैंक भर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला मिक्सर लगा हुआ है, हॉट वाटर वाला जो टैप है इसको खोल देंगे, एयर निकलेगा, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो गीजर थोड़ा सा समय लगेगा भरने में, इसलिए इसको मैं खोल देता हूँ। ये देखिए इसको मैं खोल दिया और एयर पास करेगा, जल्दी टैंक भरेगा गीजर वाला। अब देखिए दोस्तों ये पाइप को मैं खोल दिया, अभी भी टैंक यहाँ पे भर रहा है। मैं यहाँ पे चेक करने के लिए इसको निकाल दिया था, एयर मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप इस तरह से बंद करके रखेंगे तो स्लो भरेगा, इसलिए इसको खोल देना है। देखिए एयर यहाँ पे निकल रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और करीब ला, और करीब ला, अभी देखना जब मैं इसको छोड़ूंगा तो एयर निकलेगा यहाँ से। ये देखिए आवाज़ किया, एयर निकल रहा है। तो इसको इस तरह से खोल के रखना है, जल्दी भरेगा ये, जब ये भर जाएगा तो यहाँ से पानी निकलेगा। अब देखिए दोस्तों गीजर वाला जो टैंक है ये फुल हो गया है पूरा, और देखिए यहाँ से पानी आने लगा। प्लग टॉप देखिए मेरा यहाँ पे है, पानी पूरा भर गया है। अब इसको मैं लगाऊंगा बिजली वाले बोर्ड में, अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिए कनेक्शन पाइप को यहाँ पे लगा दिया, नीचे वाला मिक्सर है, टैप को ओपन कर देता हूँ मैं। ये देखिए हॉट वाटर ओपन किया, पानी यहाँ पे गिर रहा है। अब देखिए ये जो बिजली वाला ये बोर्ड है ना, ये प्लग टॉप, अब इसको यहाँ पे लगाता हूँ मैं। ये देखिए लगा दिया मैं, और देखिए यहाँ पे अभी पावर आ गया है, दोनों इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये मेन सप्लाई वाला है, और ये दोस्तों हीटिंग वाला है, यानी कि जब तक ये हीट होगा ठीक है तब तक ये इंडिकेट करेगा, जब हीट होकर ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर सेट किया होगा 60 डिग्री या फिर 70 डिग्री सेल्सियस तक, जब वहाँ तक ये गर्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, सिर्फ ये जलेगा। तो अभी गर्म होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 15 लीटर पानी यहाँ पे स्टोर है। गर्म होने के बाद यहाँ पे टेस्ट कराता हूँ मैं इसका हीटिंग टेम्परेचर। ये देखिए अभी इसको ऑन कर दिया, अभी पानी दोस्तों गर्म नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, वेट करता हूँ मैं। दोस्तों अभी 15 मिनट हो गया है, और अब देखिए पानी यहाँ पे गर्म आने लगा है, गीजर प्रॉपर वर्क कर रहा है, अभी गर्म पानी यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ये क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिक गीजर इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप
नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।